बिग बॉस के 15वें सीजन में पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट राजीव आदित्य शामिल हो चुके हैं। नमस्कार, मैं पूजा साहू और आप देख रहे हैं ईगोसिप्स। वीकेंड का वार में राजीव की एंट्री पर शिल्पा शेट्टी, बिपाशा बसु, सोनू निगम, करण टैकर जैसी नामचीन हस्तियों ने एक्साइटमेंट जाहिर की है। अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि राजीव का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से पुराना नाता है। दिलचस्प बात तो ये है कि शमिता और राजीव एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। ऐसे में उनका शो में आना प्री प्लान गेम कहे या शमिता को सपोर्ट, दोनों ही सही है। राजीव शो में क्यों और कैसे आए, इस पर खुद उन्होंने बिग बॉस में एंट्री से पहले बात की थी। उन्होंने कहा था वो बहुत एक्साइटेड होगी, उसे पता नहीं होगा क्या करना चाहिए। वो मुझसे विनती कर रही थी शो ज्वाइन करने के लिए और मैं कहता था कोविड है, मैं नहीं जाऊंगा। पर आप वहां जाते हैं और इंजॉय करते हैं। अब वो शॉक्ड रह गई, मैं तो रो भी सकता हूँ। मैं 2 साल से शमिता से मिला नहीं हूँ, हो सकता है बाद में मैं उसके आसपास ही भटकता रहूँ। राजीव ने शो में हो रहे वॉयलेंस पर भी अपनी राय जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि बिग बॉस जैसे शो में मुझे हिंसा नहीं पसंद है, अगर कोई मुझे छूता है तो गाली गलौज तो भूल ही जाए। मैं यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट पर आया जिसके मुताबिक कोई मुझे छू नहीं सकता है, अगर ऐसा हुआ तो फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन ही क्यों किया है। जिंदगी में मेरी एक इज्जत है, मैं शो में बेइज्जत होने नहीं आया हूँ। राजीव आदित्य ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा, मैं शमिता को 10-12 साल से जानता हूँ, मैं शिल्पा, शमिता और आंटी यानी कि सुनंदा शेट्टी से मिला हूँ, हम आध्यात्मिक तौर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सभी ऊपर वाले से डरते हैं और इस तरह हमारी बॉन्डिंग हुई जो अब बहुत अच्छी हो गई है। मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। शो में आने से पहले राजीव ने ये भी कहा था कि उन्हें वहाँ देखकर शमिता बहुत खुश होंगी। जाते जाते आपको बता दें कि राजीव का जन्म लंदन में हुआ है और वो मॉडल रह चुके हैं। आज वो एक बिजनेसमैन है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। इंस्टाग्राम पर कई सेलेब्स के साथ उनकी तस्वीरें हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।